मच्छर वाली मशीन यही घर के नीचे दिन रात थप 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 गिर रहा मेरा घर। तो सरकार ने कुछ नहीं सोच रहा है, कुछ नहीं देख रहा है, मैं कहाँ जाऊंगा। ये मट्टी से पूरा मेरा फेफड़ फाफड़ सब खराब हो रहे हैं, मैं कितना दवाई खाऊंगा बेटा ये बताओ। बस 24 घंटे खड़खड़, अभी तो शांत है, अभी तो हवा नहीं है, कुछ नहीं है। वो पत्थर वाली मशीन यही घर के नीचे दिन रात थप 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 हिल रहा मेरा घर। जब गाड़ी चलती है यहाँ पर ये मट्टी की, यहाँ की मट्टी भर जा रही है, भर की मट्टी अंदर ला रही है, दुनिया भर के कूड़ा काल उतनी बार घर कितना हिल गए। घर देखो सामने, मैं दिखाता हूँ दीवार, ये दीवार कितनी ठोक रखी है इनकी, मेरे दीवार देखो पहले कितने ठोक रखी है, जो बार बार उठा उठा के। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का कार्य चल रहा है, एडी टनल यहाँ पे है, लेकिन अगर ठीक उसके इस तरफ दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पे जो खाकरा गांव है वो अब यहाँ पर उनकी मकानों में दरारें पड़ने शुरू हो गई हैं। पिछले एक साल से लगातार दरारें पड़ रही हैं और लेकिन इनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं। एक घर पहले से जब से यहाँ ब्लास्ट हो रहा उसी दिन से मैं कैसे रहूंगा इस घर में, बालक देख लिया तुम मनी मैंने, आज का नहीं हो रही, आज काल तो ब्लास्ट आ गया चले गई, आज काल तक ये तक दुनिया भर की मशीन घर का नीचे है, जितनी मशीन घर का नीचे है 24 घंटे घर ले रहा, मैं कहाँ जाऊंगा। पहले मैं अंदर बैठ करता हूँ, ये लड़की है देखो। सर ये दरारें पिछले 2 साल से पड़ रही हैं, जब से यहाँ पे ब्लास्टिंग हो रही है, ब्लास्टिंग से तो पूरा घर हिलता रहता था, अब तो थोड़ा ब्लास्टिंग थोड़ा कम हो गई है, उससे नहीं हिलता है। जब यहाँ से गाड़ियाँ भर के आती हैं तो भरी हुई गाड़ियों से घर इतना हिलता है कि सीमेंट के टुकड़े गिरते हैं। डेली में 24-25 किलोमीटर आना जाना होता है मेरा, तो फिर भी घर में ये रहता है कि नानी की तबीयत खराब ना हो। डॉक्टर बोल रहे हैं कि यहाँ से हटाओ इन्हें, धूल मिट्टी से दूर रखो, तो कहाँ लेके जाऊंगी मैं, आप सोचो ना कहाँ लेके जाऊंगी मैं। शासन प्रशासन से 10 बार चले गए हम, इतनी एप्लीकेशन दी है, अभी तक हमें शासन प्रशासन जिलाधिकारी विधायक इनके पास बस पटवारी आता है देखता और चला जाता है, फोटो भी हमसे मांग के लेके जाते हैं, और नीचे ऑफिस में जाओ मैक्स कंपनी के GM PM से बात करने के लिए जाओ, वो हमें अंदर नहीं आने देते, वो भारी से बोलते हैं कि जाओ क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, हम भी खा रहे हैं धूल मिट्टी, तो वो तो नौकरी कर रहे हैं ना, तो हमारा क्या है, हम क्यों खाएं ये धूल मिट्टी। दिन रात परेशान है सर, रात दिन इनका काम चलता है, 24 घंटे काम चलता है। कभी कभी मेरी नानी उठ के बाहर जाती है रात को कि मैं अभी मरती हूँ तो मैं कैसे संभालूंगी, अब मैं वहाँ जाऊँगी फिर यहाँ की चिंता रहती है कैसे होगा। मुआवजे की आपने बात की कही, हमने बहुत बार बात की कि हमें यहाँ से हटा दिया जाए, जितनी हमारी जमीन है हमें दूसरी जगह पे दिया जाए, पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई है इस बात में। हमने कुछ दिन पहले यहाँ न्यूज़पेपर में भी डलवाई थी न्यूज़, बट फिर भी कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो यहाँ सीमेंट के टुकड़े गिरे, कितना डर लगता है? बहुत ज़्यादा डर लगता है सर, बारिश के दिन तो बहुत ज़्यादा, ये देख सकते हैं आप पानी भी आ रखे है यहाँ, तो उस दिन सीमेंट के टुकड़े, हम ऐसे ही सो रखे थे, ऐसे सीमेंट के टुकड़े गिर गए। मामा जी मेरे बड़े वाले फौज में थे और वो शहीद हो गए। तो आप देख सकते हैं स्थिति किस तरीके से भयावह है, और लगातार जिस तरीके से थोड़ी सी इस तस्वीर को देखिए आप, लगातार रात को इसी तरह से सीमेंट के टुकड़े गिर रहे हैं, और जैसे ही इसके नीचे जब कंपन होती है तो यहाँ पर खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और जिस तरीके से पूरे घर में अब दरारें आ गई हैं तो कहीं ना कहीं ये पूरा घर असुरक्षित हो गया है, लेकिन जिम्मेदार इस पूरी स्थिति पर चुप्पी साधे हुए हैं, कोई कार्यवाही करने के लिए तैयार नहीं है। आने वाले दिनों में अगर कोई बड़ी अनहोनी होती है तो इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं रुद्रप्रयाग का प्रशासन रहेगा।